अरे यार उनको जाने दो, आज तक इंडिया से बाहर नहीं गई। आपने ऐसी बात बोली भी क्यों? झूठ बोल रही है मम्मी। ठीक है, हम ये प्रैंक कर रहे हैं मम्मी पापा के साथ कि हमने एक नया कार्ड ले लिया। दादू दादू मेरे को अपने साथ ले जाओ दादू। नहीं नहीं मैं नहीं रख सकती इसको, बिल्कुल किसी कीमत पे भी नहीं। ले आते फिर पूछते हो, पहले पूछा तो करो बेटा। अरे क्या पूछना है, आपको अच्छा नहीं लगा? गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल मिथोलॉजी। और आज है सैटरडे का दिन, हम थोड़ा सा लेट शुरू करें आज का दिन। लेट एज इन 5 बजे की जगह कितने बजे राहुल? 7 नहीं 6:30 उठे थे, 6:30 बजे, क्योंकि सैटरडे था, छुट्टी होती है मेरी, राहुल का तो फिर भी ऑफिस है, तो 5 बजे की जगह 6:30 उठे। बच्चों के स्कूल नहीं है तो दैट वॉज अ रिलीफ, इसीलिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सीबल होके लेट उठे। और फिलहाल हम लोग आए हुए हैं कार्डियो करने। मैंने अपना ट्रेडमिल वर्कआउट खत्म कर दिया, अपने 5000 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। राहुल ऑलरेडी 40 मिनट से इलेप्टिकल पे है, अब हम स्वॉप करेंगे, मैं करूँगी इलेप्टिकल, राहुल करेंगे ट्रेडमिल, अनदर 30-40 मिनट्स, और उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे अपने डेली रूटीन में। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की सैटरडे को छुट्टी होती है या सीधा संडे को होती है या फिर दोनों दिन ही नहीं होती, कभी और होती है। कार्डियो करते करते हम लोग देख रहे हैं टीवी पे फिजिकल 100, जो कि है एक के ड्रामा फिजिकल फिटनेस के ऊपर, और राहुल इज अ वेरी बिग के ड्रामा फैन, ये सारे के ड्रामा देखते हैं नेटफ्लिक्स पे। आप ही सजेस्ट करो कोई अच्छा के ड्रामा जो हम नेक्स्ट देख सके। यहाँ राहुल थोड़ी देर जोई को लीश पहना के थोड़ी सी वॉक करवा रहे हैं ताकि इसको टॉयलेट ट्रेनिंग मिल जाए। टॉयलेट ट्रेनिंग का ये तरीका अपनाया है कि खाना खाते ही पानी पिलाता है राहुल जोई को, और उसके बाद 15-20 मिनट वॉक करवाते हैं ताकि इसको थोड़ी, अगर फ्री होना हो तो ये इस टाइम के अंदर हो जाए और घर के अंदर कुछ ना करे। हो सकता है शुरू शुरू में आपका डॉग कुछ भी ना करे, आपको पेशेंस लेवल्स ख़त्म हो जाए और आपको यार कुछ नहीं कर रहा, छुड़वाओ वॉक, घर पे कर ले घर पे ही कर ले, बट आगे जाके एक ना एक दिन सीखी जाएगी, तो थोड़ी पेशेंस रखो। और यहाँ जोई को मिले कुछ स्ट्रीट डॉग्स और ये इनको तेवर दिखा रही है, ये दोनों माँ बेटी हैं। ये देखो जरा सी जो है ये कल की पैदा हुई, वो देखो छुप गए, ये छुप गए इसको देख के, उसकी माँ अलर्ट हो गई है, है ना जोई, गली की गुंडी बनना है तूने। ये देखो ये मैडम गाड़ी में आराम से एसी की हवा ले रही है, डैशबोर्ड पे अपनी पर्सनल स्पेस बना के बैठी हुई है, जस्ट लाइक अ डे बिफोर जब मैंने आपको उस ब्लॉग में दिखाया था। इसकी जगह फिक्स हो गई है, तो कभी भी हम टूर पे जाएंगे तो ये तो यहीं रहेगी। और देखो सो भी गई है प्रॉपर सो गई है। ओह माय गॉड कितनी फनी है, उठ गए हो? मजे से सो रही, मेरे को इसको देख के जेलसी हो रही है। इसकी लाइफ में ना कोई टेंशन, कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं है, ना कमाने की टेंशन ना किसी चीज की टेंशन, सत्य मस्त लाइफ है। किसी करेगा उसे मिलेगी आइसक्रीम। ओह ये देखो कितना चला गया, दादी दादी चाहिए, होगा बोल रहा है, तुझे भी चाहिए, मिलेगी तुझे भी, मिलेगी। दादी जा रही है, दादी कहाँ जा रही है, तेरे को कहाँ से दिख गई दादी रोड पे? नानी चला गया है, जिसने आइसक्रीम खानी है पापा किसी करो, यहाँ पर किसी पापा को किसी नहीं मिलेगी तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। कर दे शिबू, पापा आइसक्रीम नहीं देंगे, नहीं तो फटाफट कर पापा किसी कर, पहले जल्दी कर दे शिबू, पापा आइसक्रीम देंगे फिर। किसी कर किसी, सिर्फ बोलता नहीं है, अक्कल तो सारी है इसको। क्या ऑर्डर था? अरे पता है उनको यार, अब तो रोज का ही हो गया, दो आम, हाँ एक और एडो डबल, हाँ एक चॉकोबार, 10 वाली, 1 20 वाली। आपको भी याद हो गया होगा कितने पैसे रोज के बनते हैं, 130-140 ही बनते हैं मैक्सिमम। सामान इस तरीके से बताते हैं बस उतना ही बढ़ता है, रोज का सेम होता है ना। क्या मन्नी ने पता नहीं क्या मंगवाया, क्या मंगवाया ये? मैंने शिवाय का ना बर्थडे आने वाला है ट्यूसडे को, तो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट मंगाया है, तो काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कमेंट सेक्शन में कि शिवाय को थोड़ी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी या एनर्जी चैनलाइज करने के लिए डालो, तो मैंने ट्रैम्पोलाइन मंगाया है, जो ये इधर उधर जंप करता है ना सोफे वगैरह पे, उसकी जगह इस पे करेगा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रैम्पोलाइन इज वेरी गुड फॉर एनर्जी चैनलाइजिंग ऑफ किड्स, तो इसको अभी थोड़ी देर में सेटअप करते हैं। बहुत बड़ा है, अभी तो असेंबल करना है पूरा, और भारी कितना ये देखो है, कितने का मंगवाया? 5000। हां तो कुछ है तो बच्चे के कुछ के लिए बर्थडे है, इसका बर्थडे है, शुभ
9 मई किसने दिया इसको? ये यहाँ से उठा के लेके गया। मैं तुम्हें बहुत मांगूंगी, तुम देखना तुमने बिगाड़ के रखा है। प्लेट इसलिए पड़ी है। और यहाँ मम्मी पापा आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं सारे के सारे बैठ के। दाल चावल मन्नी कह रही है, अभी मन नहीं है, बाद में खाऊंगी। और मम्मा? हाँ जी बेटा। हाँ जी, उठ गया ये देखो, ये साथ में जेजू भी उठ गया। जेजू दादू आए हैं, दादी। इसको पहन, ये राइट में था, इसमें था, राइट में होता है। चुपचाप पहन ले। दादी को करो जय जी। जय जय जय। वो दादू नहीं ज्यादा देख रहे, दादू से ज्यादा बनती है उसकी। हाँ, उनके सबके दांत दादू पे गए ना ऐसे, है ना? दादा दादी का ना दांत आगे ऊपर के बाहर है। ये अंदर कर लिए, उल्टा कर लिया। नॉर्मल बंद करो, नॉर्मल करो बंद। एक बार हंस के दिखाओ नॉर्मली। ये जान के इन्होंने देखो लिप्स पे सील कर दिए भाई, कितने चलाक हो पापा। अभी देखो होते हैं, देखो शिबू इधर दिखा, फेस दिखा अपना। ये देखो दिख रहे हैं ऊपर के दो दांत, हमेशा मुंह खुला रहता है उसके भी, उसके अंदर है बल्कि, लेकिन वो रहता ऐसे है जान। तुम्हारे मम्मी मैं क्यों? गए थे ना तेरे को वो लगवाने, दिखाना ना दादा था। तेरे लगवाने दांत दिखाना। हाँ। देखो मम्मी का नीचे वाला दांत नहीं यार पर दिख रहा। मैंने ना इसके लगवाने गई थी वो क्या फिर महंगे थे, हम वापस आ गए। मम्मी ये तो बताओ ऑस्ट्रेलिया जा रही हो? की पापा आज मुझे कह रहे थे मुझे तू अकेला छोड़ के चली जाएगी। कितनी गलत बात है, आज मेरा मन ही हो गया कि मैं नहीं जा रही थी। अरे यार उनको जाने तो, आज तो इंडिया से बाहर नहीं गई, रोका नहीं है। आपने ऐसी बात बोली भी क्यों? हद हो गई है, और ना तो जो मर्जी तुम पहले उनको ब्लेम करती हो फिर उनकी साइड लेती हो। बीवियों का भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों को एक दूसरे के मतलब पहले लड़ेंगे आपस में, फिर लोग तरफ लेंगे कि एक पत्नी की तरफ होते पति की तरफ, फिर आपस में दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे और हम दुबरे बन जाएंगे। अभी आपने बोला ना कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना था, कल आप हमसे ये बात करके गए हो, अभी आप मुझे कह रहे हो कि पापा ने आपको बोला कि तू मुझे अकेला छोड़ के चले। आज सुबह मैं तेरे को बताऊं ना, अब बताओ। आज सुबह पापा 4 बजे उठ के बाहर सोफे पे बैठ गए, फिर मैंने 4:30 इनको टेंशन हो गई थी कि आप जा रहे हो। मुझे कहते हैं मुझे कहते हैं कि तू यूएस चली जाएगी। यूएस क्या है, मैंने यूएस चली यूएस नहीं पापा जी, जो भी उन्होंने बोला, और मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं क्या अन्ना ने कितने टेंशन ये सारी बातें ना लिफ्ट के जानते हो, झूठ बोल रही है मम्मी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप कितने भी साल के हो, पति पत्नी का 30 साल की उम्र वाले कपल्स में भी होते हैं जो यंग होते हैं, और 60 से ऊपर वाली उम्र में भी। तो अब आप नहीं जा रहे क्या? देख लो फिर, अगर आपकी बहनें सारी पहुंच गई वहाँ और आप नहीं गए, तो फोटो देख देख के फिर आपका मन होगा काश में चली जाती। नहीं, ये मन वन नहीं होता। अरे आप हमारे साथ रुकना ना पापा जी, हम आपको घुमाएंगे, आपको लेके चले हैं जिम कॉर्बेट 15 दिन पापा जी। नहीं, 10 दिन मैं जा रही हूँ और इनको 15 दिन ले जाओ जिम कॉर्बेट, हाथियों के साथ रहेंगे पापा जी। 10 दिन जा रहे हो आप, मुझे लगा 1 महीना जा, फिर तो आप 10 दिन में क्या है यार? 10 दिन के लिए बस जाने दो ना। मैंने कब मना किया, आप डरी भैया कोई शेर ना आ जाते जिम कॉर्बेट। यार पापा आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो पापा जी, पापा कंफ्यूज करते हैं, कुछ नहीं होता, शेर वेर नहीं आएगा घर के अंदर जब तक हम जिम कॉर्बेट ना चले जाए। मैंने पूछा कहीं आपकी तबीयत का यही रीजन तो नहीं है कि मैं कह रही हूं। बंद करो फ्रिज, हो भी सकता है आप तो बात के बोल पड़ रहे हो। देखिए अंदर अंदर बताना रहे हो, मेरे को भी बताएंगे तो फिर वो कम हो जाएगी ना इम्पोर्टेंस। नहीं मैनली मैं कैसे कह दूं कि बीवी तू मत जा, मैं तो रह सकता हूँ। तो बेसिकली राहुल की मासी रहती है ऑस्ट्रेलिया, मासी की बेटी रहती है ऑस्ट्रेलिया, दोनों बेटियां उनकी वही मैरिड और सेटल्ड है। तो राहुल की मासी जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी सारी सिस्टर्स को बोला, ये 3 सिस्टर्स हैं, उनको बोला कि आप भी चलो, और ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप है ये बेसिकली। मम्मी को सिर्फ अपना सामान पैक करना है, वीजा लगवाना है और चल पड़ना है। और हमने बोला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया जाओ, हम तो कभी गए नहीं, तो आपके थ्रू हम भी घूम लेंगे। लेकिन अब पापा इनको ना इमोशनल ब्लैकमेल मार रहे हैं। जाए पापा बता दो ना फाइनल, जाओ मम्मी ये कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, अब आप मुकर नहीं सकते।
पापा तो हम ये प्रैंक कर रहे हैं मम्मी पापा के साथ कि हमने एक नया डॉग और ले लिया है, तो देखते हैं कि मम्मी पापा को क्या फील होता है और कैसे वो रिएक्ट करते हैं। तुम्हें नहीं लग रहा तुम आग से खेलने जा रहे हो? नहीं, देखते हैं। यार ये शक्ल से बड़ी वो है, खुरराट सी। चलो चलो मम्मी पापा। हाँ जी बेटा, हमने एक नया डॉग और ले लिया है। देखो पापा जी, खतरनाक होती है। नहीं ठीक होती है। आईज देखी आपने, कौन से कलर की है? ब्लू कलर की आईज है इसकी। तुम्हारी नानी की भी तो ब्लू आईज थी। इसकी भी नानी की ब्लू आईज। मेरी नानी की तो ग्रे थी। आपको कैसा लग रहा है ये डॉल हमने ले लिया एक और? यार ले आते हो फिर पूछते हो। अरे क्या पूछना है आपको? अच्छा नहीं है तो अच्छा, पर कितने रखोगे बेटा? चार हो गए। जो बोलने ना खुल के बोलो, कि फिर लोग कहते हैं कि तुम ना अपने मम्मी पापा को सिखा पढ़ा के बिठाते हो। आप अपना नेचुरल रिएक्शन दो यार। इसके गले में तो बड़ा प्यारा है ना, आईज बहुत सुंदर है। आप देखो बाबा। हाँ, लेकिन ये रहेगा आपके घर में? नहीं देखा था। ये आपके घर में रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकती इसको बिल्कुल किसी कीमत पे भी। मम्मी हम कहाँ रखेंगे छोटे से घर में? जहाँ से लाए हो। मम्मी ये यूपी से लाए हैं, यूपी वापस कौन जाएगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं थक चुकी हूँ, अब बुढ़ी हो गई, अब मैं नहीं रख सकती। बहुत साल हो गए, बहुत पापा के लिए बतरा रहेगा एक और ले। बतरा के कहीं कौन ले? और बतरा राहुल के मौसा जी। ये देखो देखो, वो तो टोटा नहीं। ठीक है ना मम्मी, कोई रखना आप रखोगे, आप के लिए लाए, आपको कंपनी हो जाएगी। मैं ना, मैं तो छोड़ देना इसको नीचे ही अभी। हां जी, इसकी एज कितनी है? 40-50 दिन। हेलो, पाला लग रहा है ये। लो, अच्छा पाला हुआ है ब्रीडर ने, है ना? आईज देखो, आईज देखो, आईज नहीं वैसे तो ऐसे लग रहे लेंस लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर होती है एक डॉग मिल रहा है, एक ब्लैक है और एक आई ब्लू है। एक काम करो, होता यहाँ एक क्लब खोलो। क्लब खोले और उसमें टाइम पर कंपटीशन कराओ इनके। कंपटीशन क्या धांसू बिजनेस प्लान दिया है तुम्हारे मामा ने? और जो जीत जाए वो उसको कोई गिफ्ट या कुछ ऐसा रखो। जो कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया या कुछ हो गया, उसके पेरेंट्स को एक महीने के लिए बाहर कर दो। जल्दी ही रख लेंगे। कोई नहीं रखता ना बेटा ऐसा। कम देखा है मैंने हमारी कॉलोनी में, किसी के पास नहीं है। मैंने खुद पहली बार देखा है। इसकी हाइट होगी जो इतना बड़ा होगा। ओली पब्जी और जोई से कम। नहीं नहीं पापा देखो, खुद का कोई भी काट, लेकिन जो रॉटवाइलर होते हैं वो अलग होते हैं, ये उनसे थोड़ा सा अटल होता है। कहते वो तो काटते ही काटते। नहीं ऐसा नाम बता दो, क्या नाम है इसका? रॉक्सी। रॉक्सी रॉक्सी का रॉक्सी गंदा। ये बिल्कुल ना इस मामले में तुम्हारे ऊपर गया, डॉग लवर है ये, है ना? ए नो, देखो डर नहीं लगता? शिवा ये क्या कर रहे हो? कह रही है दादू दादू मेरे को अपने साथ ले जाओ दादू। ठीक है ले जाओ, चलो जाओ। बिल्कुल नहीं, पकड़ो अपना सामान। चलो रखो। असी तो थोड़े नाल प्रैंक कर रहे सी, ये मनीष लाया मम्मी। अब बताओ उसके पास कितने पैट होंगे? उसके पास एक चार पांच। देख लो लोग करते हैं मम्मी चेक, जितना भी कमाते हैं। कई लोगों को शौक होता है। नहीं लड़का वैसे ओवरऑल ग्रूम है, जो क्या आया था मनीष और अच्छा समझदार भी हो।
साथ इस ब्लॉग को ले एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार को बाय बाय, लव यू ऑल।